हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी सेजवान चटनी की रेसिपी। ये मार्केट में बॉटल में मिलता है, लेकिन आप घर पे भी इसको आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सेजवान चटनी बनाने के लिए मैंने इधर 100 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। मैं कम तीखा पसंद करती हूँ, तो इसलिए सिर्फ इसी मिर्च से बनाऊंगी। आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आधा ये वाला मिर्च कलर के लिए यूज़ करें, और जो तीखी वाली लाल मिर्च आता है वो आधा यूज़ करें, यानी कि 50 ग्राम्स ये और 50 ग्राम्स वो आप मिला के यूज़ कर सकते हैं। और उससे भी अगर कम तीखा खाना चाहते हैं तो इसका जो बीज है वो आप हटा सकते हैं। मैं बीज नहीं हटाऊँगी, बस डंठल को इस तरीके से रिमूव कर लूँगी, और आप चाहे तो बीज को भी हटा सकते हैं। इससे ये इसका जो स्पाइसीनेस है वो और भी कम हो जाएगा। और अगर ज़्यादा पसंद है तो दो दो ही मिर्च आप आधा आधा यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार धो लिया है मैंने, इसमें कुछ डस्ट था, और डंठल के पार्ट को हटा दिया है। अभी इसको गर्म पानी में भिगो के रखेंगे 1 घंटे के लिए। आपके पास अगर टाइम कम हो तो आप इसको उबाल भी सकते हैं। 15 मिनट इसको उबाल लीजिएगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। मैं इसको अच्छे से भिगो के ढक के रख दूंगी 1 घंटे के लिए। और इसके लिए कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो भी देख लेते हैं। और मेन इंग्रेडिएंट्स में गार्लिक चाहिए और जिंजर चाहिए। तो इधर मैंने आधा कप यानी कि छोटे बोल का एक बोल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन लिया है। देखिए बिल्कुल फाइन चॉप करना है। और उससे भी आधा यानी कि 1/4 कप जिंजर लिया है, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। और जितना लहसुन लिया था आधा कप, वही क्वांटिटी में ऑयल लेंगे, सोया सॉस लेंगे 1 टीस्पून, टोमेटो केचप लेंगे 2 टेबलस्पून, और विनीगर लेंगे 1/4 कप। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव का काम भी करेगा। और इधर देखिए मेरा मिर्ची जो है वो सॉफ्ट हो चुका है अच्छे से। अभी इसको ब्लेंड करेंगे, एक ब्लेंडर जार में निकाल लेंगे। और अब ब्लेंड करते टाइम अगर पानी की ज़रूरत हो तो यही पानी हम इस्तेमाल करेंगे। और इसको बिल्कुल फाइन नहीं पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। तो मिर्ची का पेस्ट मैंने बना लिया है, देखिए इसका कंसिस्टेंसी। और इसको पीसने में पानी की ज़रूरत पड़ी थी मुझे आधा कप के करीब, तो ये थोड़ा सा दरदरा मैंने पीस लिया है। अभी एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, इससे आपका जो चटनी है वो ज़्यादा दिन तक स्टे करेगा। तो मैंने इधर आधा कप ऑयल डाला है। ऑयल जब हल्का हल्का गर्म रहे तभी इसमें लहसुन ऐड कर देना है। अगर ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे उसके बाद लहसुन ऐड करेंगे तो ये जल्दी जल जाएगा, इसका जला हुआ फ्लेवर नहीं चाहिए हमें। बस इसको हल्के गरम ऑयल में थोड़ा सा भून लेना है जब तक हल्का हल्का स्मेल आने लगे। इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो भी हमें चाहिए। तो देखिए इसको 2-3 मिनट हो गया है भूनते हुए, और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे ताकि ये जल ना जाए। तो अभी इसमें चॉप किया हुआ जिंजर डाल देंगे, और जिंजर डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। इसको अभी 2 से 3 मिनट चलाते हुए भूनेंगे, और फ्लेम को आप बिल्कुल लो रखिएगा। तो अभी इसमें मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे, और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से सारे चीज़ों का कम कर सकते हैं अगर कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं। तो मिर्ची के पेस्ट डालने के बाद इसको 5 मिनट इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। ये अच्छे से भून चुका है, देखिए ऑयल के साथ मिक्स हो चुका है। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। उससे पहले इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट पहले थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि कुछ सॉसेज भी डालेंगे, बाद में चेक करके आप डाल सकते हैं नमक, और 1 टीस्पून शुगर। शुगर से इसका टेस्ट जो है वो बैलेंस होगा क्योंकि ये बहुत ही तीखा होता है। तो सॉल्ट एंड शुगर डाल के इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने इधर 1 कप के करीब पानी ऐड किया है, मिक्सी को धो के मैंने वही वाला पानी यूज़ किया है। और पानी डाल के एक बार मिक्स कर लेते हैं। अभी इसको ढक के कुक करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। बीच में एक बार इसको खोल के चला लीजिएगा,
ताकि नीचे से मसाले जो है लग ना जाए। 5 से 7 मिनट के बाद इसको चेक करके फिर से इसको ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, अच्छे से ये पक चुका है। तो अभी इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून। इसमें एक्चुअली सेजवान पेपर जो होता है उसको क्रश करके डाला जाता है, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होता है सब जगह पे, तो मैंने ब्लैक पेपर यूज़ किया है। आप क्रश करके ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, मैंने पाउडर यूज़ किया है। और 1 टीस्पून मैंने डाला है सोया सॉस और 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें विनीगर डाल देंगे, ये भी प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और इससे खट्टापन भी आएगा। विनीगर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। ये सॉस ऑलमोस्ट रेडी है। आप इस टाइम पे थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि नमक और चीनी थोड़ा सा अगर डालना हो तो आप इस टाइम पे डाल सकते हैं। मेरा जो ये सॉस है इसमें नमक थोड़ा सा कम है, तो मैं और थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ और चीनी भी थोड़ा सा ऐड करूँगी। और इस सॉस को आप बॉटल में भर के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 3 से 4 महीने तक, कुछ ख़राब नहीं होगा, उससे ज़्यादा दिन भी चल जाता है। और जब भी मन करे सेजवान नूडल्स खाने का, या फिर सेजवान फ्राइड राइस, या फिर चिकन लॉलीपॉप और चिकन 65, इन सारे चीज़ों के साथ ये जाता है, तो कोई बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही बन गया सेजवान चटनी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।